हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पत्थरबम की सरकार को जांच करनी चाहिए, लेकिन सरकार खुद सकते में है। पूरा तंत्र इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर ये पत्र आया कहां से। इतना तय है कि ये पत्र विपक्ष ने नहीं लाया। भाजपा के एक पूर्व मंत्री को थाने में बुलाया गया और फोन भी जब्त कर दिया गया। भले ही भाजपा का आंतरिक मामला रहा हो, फिर भी जब कांग्रेस में कोई बात हो तो भाजपा के बड़े नेता खिड़कियों से झांकते हैं। भाजपा में इस समय वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि कौन सा पहलवान जीतेगा। राठौर ने कहा कि ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और दवाई घोटाले को उजागर किया है। ये सीधे आम जनता से जुड़ा है। यदि उन्हें घटिया दवाएं मिलती हैं तो जनता क्या सोचेगी। यदि सरकार या मंत्री ने निम्न स्तर की दवाओं की आपूर्ति की है तो ये घृणित कार्य है। दो दिन में कांग्रेस राज्यपाल से मिलकर हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच की मांग करेगी ताकि सब साफ हो। यदि वो सच्चे हैं तो रिपोर्ट में पता चल जाएगा, क्योंकि सरकार की जांच एजेंसियों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा का अब तक का शासन निराशाजनक रहा है। नशे का कारोबार बड़ा है, सरकार के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे हद रहकर कार्य करें और सरकार ऐसे मामलों को हल्के में ना लें। कुलदीप ने कहा कि 45 ब्लॉक कमेटी अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है और उन्हें 10 दिन के भीतर कार्यकारिणी गठन के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें 41 सदस्यीय कमेटी गठन का कार्य सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा। उपचुनाव को लेकर राठौर ने कहा कि संगठन सक्रिय है और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे और निश्चित तौर पर दोनों ही उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी। महात्मा गांधी जी की जयंती है, उस दिन हम पदयात्रा का शिमला में आयोजन करेंगे और इसी तरह के जो कार्यक्रम है 2 अक्टूबर को वो जिला कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पे भी आयोजित किए जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि हमने रिवायत को बदला है, राजीव भवन के बजाय हमने जो नियुक्तियों का आधार प्रवेशकों को बनाया, पूरे प्रदेश में हमारे प्रवेशक गए हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पे हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में नियुक्तियां कर रहे हैं और अभी तक लगभग 45 नियुक्तियां हो चुकी हैं। बाकी की नियुक्तियां भी हम जल्दी करने वाले हैं। 1 अक्टूबर दिल्ली दौरे से ये निकल के आया कि श्रीमती सोनिया गांधी आक्रामक मूड में, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कांग्रेस पार्टी को जन आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए और जो जिस विश्वास से उन्होंने कहा और जो मैंने उत्साह अपने पार्टी के लोगों में देखा और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है आपको आने वाले समय में नए रूप में नजर आएगी और हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे। हम जो देश में आर्थिक मंदी है उसको लेके हम यहाँ कन्वेंशन का आयोजन कर रहे हैं जिसमें प्रदेश भर से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और उस दिन हम मार्च टू राजभवन भी करेंगे और हम राष्ट्रपति को जो है राज्यपाल महोदय के मार्फत ज्ञापन सौंपने वाले हैं जिसमें इस बात की चर्चा होगी कि देश में जो आर्थिक मंदी हुई है उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है और इस सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।